दूसरी लोकप्रिय विधि है सीधी बुआई। इस पद्धति में कदवा नहीं की जाती और लगातार खेतों में पानी भी नहीं रखना होता है, जिसके कारण सिंचाई जल में 15-20% तक की बचत होती है। इस विधि से आप मशीन में खाद एवं बीज डालकर आसानी से बुआई कर सकते हैं। सीधी बुआई के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2-3 जुताई करके लेजर लैंड लेवलर द्वारा खेत को समतल कर लें। अगर लेजर लैंड लेवलर ना हो तो साधारण लेवलर का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि धान की सीधी बुआई 2 अवस्थाओं में की जा सकती है। पहला, जुताई के बाद बुआई। इसमें धान की बुआई के लिए 1 सप्ताह पहले खेत की सिंचाई कर दी जाती है, जिससे कि खरपतवारों का नाश हो जाए। फिर खेत की जुताई कर दें। जुताई के बाद बुआई के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें और फिर मशीन द्वारा बुआई करें। दूसरी अवस्था में बिना जुताई के बुआई की जाती है। रबी फसल की कटाई के लंबे समय बाद धान की फसल लगाते हैं, जिसके कारण खेत में काफी खरपतवार आ जाते हैं, जिनको नष्ट करने के लिए बुआई के कुछ दिन पहले ग्लाइफोसेट 41% यानी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 150-200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस खरपतवार नाशी के प्रयोग के बाद ही आपको बुआई करनी चाहिए। आइए अब इस विधि की कुछ अहम बातों पर गौर करें। धान की सीधी बुआई जून के पहले सप्ताह से 3rd सप्ताह तक कर देनी चाहिए। इस विधि से बुआई में बीज की मात्रा 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। रोपाई के दौरान बीज की गहराई 2-3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेंटीमीटर एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। हालांकि कभी कभी लगातार बारिश होने से हम सूखे खेतों में धान की सीधी बुआई नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाई बदला करके खेत को रोपाई लायक बना लें। इसके बाद ड्रम सीडर में अंकुरित बीज भरकर कदवा किए हुए खेत में बुआई की जा सकती है, जिसमें अंकुरित बीज निर्धारित छेद से सही दूरी पर गिरते जाएंगे। इस विधि में ये जरूर ध्यान रखें कि खेतों में जल भराव की स्थिति ना हो। किसान भाइयों, ये ध्यान रहे कि धान की सीधी बुआई में अगर खेत एकदम सूखा है तो बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें, और अगर खेत में नमी है तो जमाव के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए।